नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार MNC क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डीबी केन कॉलेज नरहन में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें पार्ट 3 का नामांकन शुरू हो चुका है और नामांकन किसका होगा, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। हालांकि बिहार में सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट 3 में नामांकन की प्रक्रिया जो है कॉलेजों को आदेश दिए हैं कि शुरू कर दिया जाए और बिहार के लगभग मैक्सिमम कॉलेज में पार्ट 2 जो विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं उनका नामांकन पार्ट 3 में लिया जा रहा है और मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले डीबी केन कॉलेज में भी पार्ट 3 में नामांकन की प्रक्रिया कल से 4 सितंबर से शुरू हो रहा है जो 10 सितंबर तक चलने वाली है। इसके लेकर के ऑफिशियल सूचना भी जारी कर दिया गया है। हालांकि हम सभी कॉलेज का अलग अलग नोटिस जारी किया गया है, सभी कॉलेज का नोटिस हम बताए भी हैं आपको और अंतिम लेट फाइन के साथ भी 14 सितंबर से पहले आपको नामांकन करा लेना है। किसी भी कॉलेज से अगर आप हैं तो बिहार में किसी भी कॉलेज से हैं और मिथिला यूनिवर्सिटी से अगर हैं तो आप जल्दी से जल्दी 14 सितंबर से पहले आपको नामांकन करा लेना है। अगर आपका नामांकन का डेट खत्म हो गया है आपके कॉलेज में तो भी वहां पर जाकर के आप नामांकन ले सकते हैं। जरूरी बात है, मुद्दा की बात करने वाले हैं कि कितना पैसा अभी आपको नामांकन में लिया जाएगा। हालांकि कहीं पर लूटा भी जाता है, प्राइवेट कॉलेज के द्वारा लूटा भी जाता है, 1700-1800-1800-1900 तक रुपया लिया जाता है, लेकिन रियली में पैसा जो है वो 650-700 ही एडमिशन चार्ज किसी भी कॉलेज का होना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी ये तय नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि कितना फीस है, लेकिन जो हम बता रहे हैं जो कि एक पेपर में ये गाइडलाइंस जो बताया गया था 650 रुपया ही एडमिशन का होता है लेकिन 2900 रुपया लिया जाता है। और इसके लेकर हम वीडियो भी आपको बताए हैं कि कितना पैसा लगता है, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई लिंक है, आई लिंक पर जाकर के आप लोग उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। अब बताते हैं कि डीबी केन कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में अगर आप नामांकन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सा कागज आपको साथ रखना है। दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वो है पार्ट 1 में नामांकन रसीद और पार्ट 2 का नामांकन रसीद और पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, ये 3 आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा जो फोटो वगैरह है वो तो आपके पास होना ही चाहिए नॉर्मल। ये 3 चीज आपके पास होना जरूरी है, पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 1 का मार्कशीट भी और पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड और नामांकन रसीद और पार्ट 1 में नामांकन रसीद, ये सब होना चाहिए आपके पास। अगर देखा जाए जोड़ करके तो पार्ट 1 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड 2 हो गया, फिर पार्ट 2 का एडमिट कार्ड और पार्ट 2 का नामांकन रसीद और पार्ट 1 में भी नाम लिखा है तो वो भी रसीद, यानी टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। और फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो आपको लगेगा ही लगेगा। पैसा आपके कॉलेज में कितना लिया जाता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और डीबी केन कॉलेज के अगर कोई छात्र हैं तो वहाँ पे कितना पैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कुछ कॉलेज ऐसा है जहाँ पे 1700-1800 रुपया लिया गया है, कहीं पे 650 में भी काम हुआ है, कहीं पे 1900 रुपया भी लिया गया है, कहीं पे 1000-1200 भी लिया जा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के द्वारा जो आवाज उठाया जाता है तो उसको जो रियल फी है 600-700 वही लिया जाता है। अगर आपके कॉलेज में भी काफ़ी पैसा लिया जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और आप वहाँ पे आंदोलन भी कर सकते हैं और एक मतलब आंदोलन नहीं करना है, छात्र संघ का नेता होगा उससे बात कर सकते हैं तो कुछ रियायत आपको मिल सकता है। बाकी कुछ भी जानकारी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पार्ट 3 तैयारी के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।